हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, असिमेट्रिक फेडरलिज्म, ये वर्ड हमने जब ये जजमेंट पढ़ा था जिसको इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है गवर्नमेंट के मूव का, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इन्होंने बोल दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उसमें एक वर्ड था असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो क्या है, चलिए देखते हैं। व्हेन आर्टिकल 370 इज सीन एज मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ सच फेडरलिज्म, मेनी सच स्टेट इंजॉय स्पेशल पावर। चलिए देखते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनली इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज क्वासी फेडरल, वाइल इन अ यूनिटरी सेटअप द पावर टू लेजिस्लेट इज कंसनट्रेटेड इन सेंटर। इन अ फेडरल स्ट्रक्चर द यूनिट दैट फॉर्म अ फेडरेशन हैविंग वेरियस जस्ट अ सेकेंड हैविंग वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड पावर टू कंडक्ट देयर अफेयर। तो मतलब सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी पावर है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाइल स्टेट्स डू हैव ऑटोनॉमी, द कॉन्स्टिट्यूशन टिल्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑन सर्टेन एरियाज। तो मतलब थोड़ा सा टिल्ट सेंटर के तरफ है क्या, दस मेकिंग इट्स क्वासी फेडरल, इसीलिए क्वासी फेडरल बोला जा रहा है। द सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट दैट प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट्स दैट द सेंटर एंड द स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट अपॉन। फॉर दोज इन द कंकरेंट List which both the center and state can legislate upon, the union law would prevail in case the conflict between the law made by parliament and the state legislature. तो यहाँ पे सेवेंथ हमने देख लिया, आपका सेवेंथ शेड्यूल की बात हो रही है। आप देखिए, इसमें तीन लिस्ट हमें पता है, सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल यूनियन एक हो गया, तो यूनियन पे यूनियन बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन वाले को प्रिवेल किया जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता था। स्पेशल स्टेटस क्या है? हाउएवर, इवन इन द क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर द टर्म द लीन मोर फॉरवर्ड द सेंटर। नॉट ऑल स्टेट्स आर इक्वल, इंडियाज प्लुरैलिटी नेसेसिटी सच एन एग्रीमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिफरेंशिएटेड इक्वलिटी फॉर स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर रेंजिंग फ्रॉम द फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इन कारणों की वजह से सब लोग को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता इंडिया में। However, an argument is made against asymmetric federalism that the so-called special status sows seeds of regionalism and separatism and that impacts national integration. तो देखो, असिमेट्रिक फेडरलिज्म हो गया, असिमेट्रिक फेडरलिज्म हो गया, किसी को थोड़ा ज़्यादा फेडरलिज्म मिल रहा है, सेंटर का थोड़ा कम कंट्रोल, किसी को थोड़ा ज़्यादा सेंटर का कंट्रोल, तो इसी को असिमेट्री है, सबको एक जैसा कंट्रोल नहीं है, किसी को थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी, किसी को थोड़ी कम ऑटोनॉमी, तो यही हो गया आपका असिमेट्रिक। तो इसको बोला जा रहा है कि यह आपका रीजनलिज्म को प्रमोट करता है, जहाँ पे ऑटोनॉमी अपनी ज़्यादा होगी, कि सेंटर अपना सेंटर का कम वहाँ पे बोलबाला होगा, सेंटर कम वहाँ पे चलेगा, सेंटर की बात कम मानी जाएगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली रीजनलिज्म थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो वही बात बोल रहे हैं जिसको रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म, और उससे नेशनल इंटीग्रेशन में अफेक्ट आएगा। वेल आर्टिकल 370 विच फॉर्मलाइज इंडियाज रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज टॉप्टेड एज अ मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। सेवरल अदर स्टेट्स इंजॉइंग वेरियस डिग्री वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड रिलेशनशिप विद द सेंटर, नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? राइट आफ्टर आर्टिकल 370 द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट स्पेशल प्रोविजन फॉर एटलीस्ट नाइन स्टेट्स फ्रॉम आर्टिकल 371A1। ऑल दिस exceptions are under the section of the constitution titled temporarily transitional and special provision which indicates that this provision would be operable till the crisis either secessionist sentiments or war ceases. However, despite the temporary tag, none of the provision contain the explicit expiry date. हाँ, तो एक्सपायरी डेट क्यों है? जब ये सारे इशू, जैसे वॉर चल रहा है या कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो अलग होना चाह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ इशू चल रहा है तो वो जब खत्म होगा तभी तो उसको हम लोग एक्सपायर करेंगे। अभी कैसे एक्सपायर कर दें जब इशू ही नहीं हो रहा है? नागालैंड एंड मिजोरम फॉर एग्जाम्पल इन्जॉय अ नेगोशिएटेड ऑटोनॉमी विच वॉज पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द इंडिया एंड द नागा एंड मिजोरम इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। अंडर इट पार्लियामेंट कैन मेक नो लॉ दैट इंटरफेयर विद द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागा एंड मिजो और द ओनरशिप एंड द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। In case of Jammu and Kashmir, the petitioner challenging the center 2019 abrogation of Article 370 had argued that the special provision gives the elements of internal sovereignty and the state which cannot be unilaterally taken away. However, five-judge constitutional bench of the Supreme Court, headed by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, ruled on December 12 that the Article 370 is one of the features of asymmetric
federalism, which is not the same as having internal sovereignty. There are concessions made to state for a reason other than political necessities. Take for example Delhi, Article 239AA prescribes for unique arrangements of the administration of national capital. It is not a state under a first schedule to the constitution, yet it has power to legislate upon subjects in the states and concurrent list in the seventh schedule. तो आर्टिकल 239 यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. देखो सबसे पहले असिमेट्रिक फेडरलिज्म. फेडरलिज्म वर्ड आ गया तो फेडरलिज्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. असिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, क्वासी जुडिशियल फेडरलिज्म क्या है, क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द वर्ड फेडरलिज्म, इफ नॉट देन व्हाई, इफ यस देन व्हाई, ऐसे मेंशन नहीं करता है. इंडिया के आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई अलग ना हो पाए, इंडिया यूनियन है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वासी फेडरल नेचर क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि सेंटर थोड़ा सा स्ट्रांग है इंडिया का, सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई है. क्यों दी गई है ज़्यादा पावर, कि लोग यहाँ से अलग ना हो, जैसे पार्टीशन जब पाकिस्तान का हो गया था वैसा सा पार्टीशन ना हो. ठीक है, तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर्टिकल्स देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 370 का हटा दिया गया, फिर भी अभी हमें जानना पड़ेगा क्या था आर्टिकल 370 इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 371A जितने अलग अलग स्टेट्स के ऊपर इन्होंने स्पेशल बनाए वो इम्पोर्टेंट है. आर्टिकल 268 था क्या, 239AA, आर्टिकल 239AA ये किससे है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली से है. ठीक है, ये दिल्ली आपका लिस्ट में नहीं है स्टेट्स के, फिर भी स्टेट्स की पावर यूज़ कर सकता है. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जो है फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है, फिर भी आपके स्टेट्स की पावर ये यूज़ कर सकता है, इसको अलाउड है स्टेट्स के पावर को यूज़ करना. ठीक है, आर्टिकल ये इम्पोर्टेंट हो गया. इंटरनल सॉवरिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आर्टिकल 370 मैंने बता दिया. और क्या असिमेट्रिक फेडरलिज्म रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है करता है. ठीक है, और आप देखिए सेवेंथ शेड्यूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सेवेंथ शेड्यूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. और मुझको पर्सनली ये जो हम अपने CGI है बहुत पसंद आते हैं मेरे को इनके डिसीजन, कहीं ना कहीं पर्सनल अलाइनमेंट इनके और मेरे डिसीजन में है. ऑल दो मैंने लॉ की पढ़ाई की नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट है इनके साथ. सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.